number 6, The Lion and the Leopard, on page number 64. Let's start. As we all know, previously, the lion and the leopard, they both were arguing about who is going to drink the water first. Dono janwar, cheetah aur sher, ye argue, matlab ye behas kar rahe the ke paani pehle kaun piyega. Usi kahani se hum aage continue karte hain. The lion was very angry. Sher bahut gussa hota hai. He lifted his powerful paw and aimed a blow at the leopard's head. Sher jo hai wo apna बहुत ज़्यादा ताकतवर पाँव बोलते हैं पाँव जानवरों के जो पाँव होते हैं उनको पाँव बोलते हैं तो वो अपना पाँव उठाकर उससे एक एम मींस निशाना लगाता है चीते के सर पे और इधर से ही उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है बिकॉज वी नो दैट लेपर्ड इज़ वेरी स्मॉलर देन द लॉयन एंड वेरी क्विकर सो ही मूव्ड असाइड एंड सेंक हिज टीथ इनटू द लायंस नेक क्योंकि हम जानते हैं कि चीता शेर से बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो बहुत तेज़ी से साइड हो जाता है और अपने दांतों से शेर की गर्दन पर हमला करता है देखते ही देखते दोनों जानवरों की लड़ाई बहुत ज़्यादा शदीद होती जाती है दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारने लग जाते हैं आसमान में इर्द गिर्द मट्टी उड़ने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं आफ्टर अ वाइल दे बोथ स्टॉप टू गेट देयर ब्रीथ बैक कुछ देर बाद दोनों अपनी लड़ाई को रोकते हैं और थोड़ी देर के लिए सांस लेते हैं तो उसी टाइम दे फील समथिंग वॉज मूविंग अबव दैम उन्हें महसूस होता है कि कोई चीज़ उनके ऊपर हरकत कर रही है जब वो दोनों अपना सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं गेस वॉट वट डिड दे सॉ उन्हें क्या नज़र आता है वल्चर्स गिद्ध एज यू ऑल नो गिद्ध एक परिंदा है जो कि मुर्दा गोश्त खाता है आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ये होते हैं वल्चर्स जो कि मुर्दा गोश्त खाते हैं द बिग बर्ड्स सर्कल्ड साइलेंटली एंड पेशेंटली दे कुड वेट बिकॉज बोथ द एनिमल्स वर फाइटिंग नो मैटर हु वॉन द फाइट्स बट इन द एंड वल्चर्स वुड विन ये जो परिंदे होते हैं गिद्ध ये आसमान पे गोल गोल चक्कर खामोशी से लगा रहे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कौन जंग जीतेगा क्योंकि चाहे जंग कोई भी जीते दोनों में से एक मरेगा तो सारा का सारा उनका डेड बॉडी का गोश्त किनको मिल जाएगा वल्चर्स को और वो उसे खा जाएंगे जब लॉयन और लेपर्ड ये चीज़ देखते हैं कि वल्चर्स उनकी लड़ाई ख़त्म होने का और किसी एक के मरने का वेट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फेयर आता है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं उन्हें खौफ होता है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं द सेम थाट वॉज इन बोथ माइंड दोनों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं सिर्फ पानी पीने के लिए लड़ रहे हैं अगर हम में से कोई एक मर गया तो वल्चर्स को तो वैसे ही फ़ायदा हो जाएगा सो देन दे सेड नथिंग वो कुछ भी नहीं कहते एंड वॉक टूगेदर टू द वाटर होल एंड ड्रिंक द वाटर टुगेदर उन दोनों को जब ये एहसास होता है कि हम में से कोई एक अगर मर गया तो नुकसान हमारा ही होगा तो दोनों खामोशी से साथ साथ पानी के पास जाते हैं और एक साथ पानी पीते हैं और आपकी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा आई होप यू ऑल इन्जॉयड द स्टोरी इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आप लोग खुद इसकी रीडिंग करें एंड आई होप आप लोग को इसको खुद रीड करके और ज़्यादा मज़ा आएगा